बच्चों गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद। आखिर क्यों बच्चे यहाँ से इतना ज्यादा सफल होते हैं, उसका बहुत सारे बच्चे कारण भी जानते हैं। कारण इस प्रकार से है कि यहाँ पे फिजिकल और रिटर्न दोनों होता है, ठीक है, इसलिए बच्चे यहाँ से ज्यादा, मतलब सिलेक्शन रेशियो यहाँ का ज्यादा है, और ये अकेडमियां जो है तो सिर्फ रिटर्न कराती है, ठीक है, और अकेडमियां है सिर्फ फिजिकल कराती है। तो आर्मी एंड सिविल सर्विस अकेडमी ऐसा है जो फिजिकल और रिटर्न दोनों प्रोवाइड कराती है, इसलिए यहाँ से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे एमपी पुलिस में 29 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, ये सारे दिख रहे हैं, और मतलब रेलवे ग्रुप बी ग्रुप सी कन्वर्ट हुआ है, उसमें 18 से 19 बच्चे सेलेक्ट हुए, और जो दिल्ली पुलिस का चल रहा है, सीपीओ का चल रहा है, उसका फाइनली अभी नहीं हुआ। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि एसएससी जीडी का जो आंसर की एसएससी जीडी की आंसर की 25 तक में आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर की जैसे 25 तक में आ जाएगी, तो इस बार मैं आपको बता दूं कि कटाप कितने तक में जाने वाला है। सबसे बड़ा इशू है एसएससी जीडी वालों का कि सब कटाप कितना जाएगा, क्या जाएगा। इस बार का कटाप बड़ा आनंद खुल जाएगा। कैसे जाएगा? अब 80 क्वेश्चन में मैंने करीब फोन में अपने एकेडमी के सभी बच्चों से बात किया, 25-30 बच्चे गए थे पेपर देने के लिए, तो तकरीबन उनका अनुभव है, और साथ में जो सेंटर्स में पेपर देके बच्चे आ रहे हैं और मेरे जान पहचान के हैं, तो मैंने 200 से 300 बच्चों से मैंने बात किया एसएससी जीडी के कटाफ के अकॉर्डिंग उनका पेपर का लेवल कैसा था, फिर पूरा रेशियो में मैंने मिलाया, उसके बाद एक जानकारी थी तो मैं बोला आपको मैं बता दूं। तो कटाफ जाने का है कि जैसे क्या है, सबसे पहले है इस साल का 2023 एसएससी जीडी कटाफ, ठीक है, मेन है इसमें से कटाफ जाएगा। कितने क्वेश्चन थे? 80 क्वेश्चन थे, तो 80 में 80 तो कोई नहीं किया, ठीक है, पर बहुत ऐसे बच्चे हैं बोल के आ रहे हैं कि मैं 80 में 80 किया हूं, तो 40 वाले बने, ठीक है। अब इसमें आपका सभी बच्चे ये बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या है मेन स्पेशलाइजेशन बता दूं, ये क्या है मैथ का था, ये है रीजनिंग का, ठीक है, और हिंदी का, और हिंदी के साथ में इंग्लिश, और जो का क्या है ऑप्शनल में थी, इंग्लिश ऑप्शनल में थी, दो ऑप्शनल में थी, वही हिंदी इंग्लिश दोनों का, और उसके साथ ये है साइंस जीके की, ठीक है, चार पार्ट में था, तो चार का था 20, 20, 20 और 20। अब मैं ये बड़े आसानी से बता रहा हूं, तो मैथ में ज्यादातर बच्चे क्या बता के आए हैं कि जितने बच्चे से मैं सर्वे किया हूं तो 15 से लेकर के और 18 क्वेश्चन के लिए जो हाईएस्ट बच्चे बताए हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन हमने सही किया है, जो बहुत अच्छे लेवल के। उसके बाद फिर रीजनिंग में उन्होंने बताया कि 19 क्वेश्चन किए हैं जो अच्छे लेवल के बच्चे, 20 में 19, ठीक है, ये मतलब ये 20 हो गया, 20 में 15 किए, 20 में 19 किए। हिंदी में भी 20 में ज्यादातर बच्चे 18 किए हैं, ठीक है, और ये वाला सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, और जो जीके जीएस का पार्ट है इसमें 20 नंबर में ज्यादातर बच्चे 10 नंबर 8 नंबर 7 नंबर ऐसे किए। तो टोटल कितना हो रहा है बच्चों? 15 62, ठीक है, 62 नंबर जा रहा है एवरेज। तो 62 में कितने का इंटू कर दो? दो का, तो कितना हुआ? 124। तो साथियों अभी तक जो मैं एवरेज औसत मान दिया हुआ है कि 124, तो मतलब है ये है कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है, ठीक है, जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है, तो ये कितना, और ये मिनिमम वाले बच्चे क्या बता रहे हैं, ये अच्छे लेवल के बच्चे हैं, ये मतलब इसका एक्सीलेंट, ठीक है, ये है एक्सीलेंट बच्चे, और जो नॉर्मल बच्चे जा रहे हैं, जो हम मतलब मीडियम कोचिंग में पढ़ते हैं, जो जिनका लेवल थोड़ा सा लो है, वो लोग क्या बता रहे हैं 20 में कितना पा रहे हैं, ये हाई लेवल हो गया,
ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। ये 20 में कितना करके आ रहे हैं, 12 मैथ में, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बोले कि मैथ के लिए टाइम नहीं पूछता, ठीक है, मैथ में टाइम ये कितना करके आ रहे हैं, 12। रीजनिंग सब्जेक्ट सरल होती है, थोड़ा सा समझने में है, ये ज्यादातर बच्चे 17 या 18 के रेशियो में जा रहे हैं। दूसरा है हिंदी इंग्लिश में, ये भी बच्चे बता रहे हैं कि 15 के लमसम में, मैं एक औसत मान बता रहा हूँ, और इंग्लिश और हिंदी में और जीके जीएस में 8 क्वेश्चन करके बोल रहे हैं। ये कितना हो गया, 12 में हो गया 20 38 और 15 इतना हो गया, ये हो गया 53 इंटू क्या हो गया, 2, ये कितना हो गया, 106। तो साथियों इस प्रकार से आपको मैं बता दूं, कटाव जाएगा जर्नल का, जर्नल का कटाव कितने का जाएगा, अभी ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, देख लेना, यार हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी से पूछ के आया हूं बजरंगबली से, तो क्या कटाव जाएगा, 1 नंबर अगर आगे पीछे हो गया तो बताना, मैं पार्टी दूंगा सबको, अगर मेरा नंबर गलत हुआ कैलकुलेशन, ठीक है, हाँ। तो ये जर्नल का कटाव जाएगा कितने का, यहां से कट आप जाएगा जिन बच्चों का 120 नंबर पे प्लस में, 120 प्लस है जर्नल, ये हो जाएगा यहां पे बॉयज एंड 115 नंबर में गर्ल्स, ये जो है तो कट आप जाएगा। फाइनल बता रहा हूं, जिसका इसके ऊपर नंबर है वो बच्चे फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे, नहीं फिजिकल में फेल होंगे, मेडिकल में जो प्रॉब्लम है मेडिकल भी अपना चेकअप अभी शुरू करा दे, कराना समय बहुत कम मिलेगा, इस अस्थि का बड़ा फास्ट काम चल रहा है, ठीक है, ये बता रहा हूँ। EWS जर्नल के बाद दूसरा कॉलम क्या होता है, EWS, इसका कटाव जाएगा साथियों, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, इसका कटाव जाएगा 115 से, ठीक है, 115 प्लस में, और गर्ल्स का बॉयज का जाएगा, ठीक है, और इसका 110 के ऊपर गर्ल्स का जाएगा, ठीक है, ये गर्ल्स का जाएगा, ये बिल्कुल हनुमान जी बताए हैं, मैं नहीं बोला हूँ भाई, वो कौन से महाराज जी है, बागेश्वर धाम वाले बताए हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ओबीसी, ओबीसी का कितने का जाएगा भैया, ओबीसी का जाएगा 112 प्लस में, ठीक है, ओबीसी का 112 प्लस में जाएगा, और गर्ल्स का जाएगा 100 प्लस में, ठीक है, ये प्लस लगा, थोड़ा प्लस माइनस इसलिए कर दिया हूँ कि प्लस माइनस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ में इसमें एसटी और एसटी का कितने का जाएगा कटाव भैया, 100 नंबर जाएगा बॉयज का प्लस माइनस, और इसमें से जाएगा 95 मतलब 90 प्लस में जाएगा गर्ल्स का, ठीक है, ये गर्ल्स का, ये भैया हो गया क्या 2023 SSC GD का कट ऑफ 30/2/2023 को क्या आ जाएगी, ठीक है, तो इतने को क्या आ जाएगी आंसर की, ठीक है, और 25 मार्च तक रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आ जाएगा 20 मार्च तक, नहीं बहुत जल्दी SSC का। और इसका मैं बता दूं कहां मिलेगी, एक दो SSC GD, ये SSC GD का फिजिकल, SSC का फिजिकल, GD का फिजिकल कब से शुरू होगा, इसकी डेट बता दूं, गर्मी रहेगी, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 25 मिनट का 24 मिनट का टाइम है, गर्मियों में ऐसा गला सूखेगा ना जो अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे रुमाल मुंह में डालो चाहे ग्लूकोज डालो, ट्रेनिंग नहीं करोगे तो SSC GD का मतलब फिजिकल नहीं पास कर सकते हो। SSC GD का फिजिकल की डेट बता दूं, ये है मतलब 10 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। तो जिनका ये लग रहा है कि SSC GD का मेरा पेपर निकल जाएगा कट ऑफ देख लो, वो आकर के पुलिस लाइन ग्राउंड रीवा में अपना फिजिकल की तैयारी करो, बेड ट्रेनिंग हॉल भी है, बढ़िया सुविधा है। दूसरी वीडियो में बना दूं।